भैया भैया बड़ी भूख लगी है, कुछ पैसे दे दो, कुछ खा लूंगा। ये कहानी आज से 2 साल पहले शुरू हुई, जब मैं नौकरी की तलाश में गांव से शहर आया। पढ़ाई में तेज होने के बाद भी कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। कई जगह अप्लाई किया पर कोई कॉल नहीं आया। खुद पे विश्वास और जेब में पैसे दोनों खत्म होने लगे थे। हेलो मिस्टर अश्विनी। हाँ जी। आपने हमारे बैंक में जॉब के लिए अप्लाई किया था, आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया गया है। आप आज 2 बजे तक हमारे हेड ऑफिस में आ जाइए। ओके सर। ओके सर। जिस मौके की जरूरत थी वो मुझे मिल गया। जेब में देखा तो सिर्फ 50 रुपए थे। इतने पैसे इंटरव्यू पे आने जाने के लिए काफी नहीं थे। सोचा कि अपने इकलौते दोस्त से मदद ले लेता हूँ। हाँ भाई बोल भाई। वो इंटरव्यू भी जाना था यार, अगर कुछ पैसों का अरेंजमेंट हो जाता, 200-300 रुपए बस, तो बड़ी मेहरबानी हो जाती मेरे भाई। भाई तुझे पता ही है वैसे मेरा हाथ तंग चल रहा है यार, पैसे मांगने आ गया। दोस्त ने मदद नहीं की तो लिफ्ट मांग के कुछ फासला तय करने की कोशिश की, पर इस दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता। इससे पहले कि इंसानियत से भरोसा उठता, मेरे कानों में एक आवाज गूंजी। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुला। हे प्रभु, क्या चाहते हो मुझसे? क्यों इतनी परीक्षा ले रहे हो मेरी? मेरी मदद क्यों नहीं करते प्रभु? भगवान है कहाँ रे तू? प्रभु इस भिखारी का कटोरा तो भर दिया, मेरी मदद नहीं कर रहे आप, कुछ करो प्रभु। क्या हुआ, क्यों परेशान है भाई? कुछ नहीं बाबा। बता दे, क्या पता मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं? बाबा आप तो खुद मांग मांग के गुजारा कर रहे हो, मेरी मदद क्या करोगे? मैं किसी से कुछ नहीं मांगता। इस मंदिर में जो भी आता है खुद का खुद मुझे कुछ ना कुछ दे जाता है पुण्य कमाने के लिए। तू अपनी परेशानी बता, हो सकता है मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। बाबा बहुत दिनों बाद आज मेरी इंटरव्यू कॉल आई है, मुझे आज ही बुलाया है, पर मेरे पास आने जाने के पैसे भी नहीं है, क्या करूं? कितने पैसे चाहिए तुझे बता? कम से कम 200 रुपए तो चाहिए बाबा। नहीं बाबा, ये आपकी जरूरत के पैसे होंगे, नहीं मैं नहीं लूंगा। शायद ये पैसे तेरी किस्मत के, आज ये पैसे तू ले जा कि शायद तेरे काम आ जाए। बाबा मैं आपके पैसे बहुत जल्दी वापस कर दूंगा। कोई बात नहीं, मैं इसी मंदिर में रहता हूँ, कभी भी आ जाना। शुक्रिया बाबा। वक्त रहते मैं वहां पहुंच गया और नौकरी मुझे मिल गई। मैं बहुत खुश था, मैंने भगवान का शुक्रिया किया और मेरे दिल ने ये खुशी बाबा के साथ बांटने को कहा और मैं चल पड़ा। मंदिर पहुंचा तो बाबा वहां नहीं थे, कुछ दूर थोड़ी सी भीड़ थी। भीड़ के पास पहुंचा तो देखा बाबा चल बसे थे। अरे क्या हुआ इन्हें? अरे भैया ये दवाइयों पर जिंदा सा लगता है, जिसके पैसे इकट्ठे नहीं हो पाए इसलिए मर गया। अरे एक भिखारी कम हो गया, छोड़ो चलो चलो, यहाँ क्या खड़ा होना, चलो। मेरी जिंदगी बनाने के लिए बाबा ने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी थी। उस दिन मैंने सीखा कि जब किसी को मदद की जरूरत हो उससे मुंह नहीं फेरा करते। वो सीख मुझे आज भी याद है। हमें नहीं पता कि भगवान कब हमें किसी का भगवान बना के उसकी जरूरत पूरी करता है, इसलिए हमेशा मदद के हाथ आगे बढ़ाते चलिए, क्या पता हमारी छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बना दे।